Hey guys, this is Neha and welcome back to my channel. बहुत से पेरेंट्स अपने न्यूबॉर्न बेबी के पीलिया हो जाने के बारे में केवल सुन के ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये वही बीमारी है जो बड़ों को भी होता है, लेकिन एडल्ट में जो पीलिया होता है वो लीवर में प्रॉब्लम की वजह से होता है, वहीं न्यूबॉर्न बेबी में इसकी ये वजह नहीं होती। तो आज हम न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस यानी कि पीलिया के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम 4 से 5 पहलू पे बात करेंगे, जैसे कि क्या न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया होना कॉमन है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को पीलिया है। तीसरी बात, न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया का क्या कारण होता है, और चौथी बात है कि किन कारणों से बच्चों में पीलिया की चांसेस बढ़ जाती है, और लास्ट है कि आपको क्या करना होगा अपने बच्चे को घर पे ठीक करने के लिए, और कब आपको अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमारी रिच न्यू पेरेंट्स तक पहुंच पाएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जब हुई थी तो 48 आवर के बाद यानी कि जन्म के दूसरे दिन उसको पीलिया वाले लक्षण आने लगे थे। तो मैं आपको जो भी बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगी। आप चाहे तो डॉक्टर के कंसिडरेशन में करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चे को हम हेल्दी रखें, चाहे वो हॉस्पिटल जाके हो या फिर घरेलू उपचार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या न्यूबॉर्न बेबीज को पीलिया होना कॉमन है। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी हेल्दी बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से आधे से ज्यादा को जन्म के पहले हफ्ते में यानी कि जन्म के फर्स्ट वीक में पीलिया हो जाता है, खासकर अगर प्री मैच्योर बेबीज हो तो उनमें पीलिया के होना आम बात है। प्री मैच्योर बेबीज अगर मतलब कि बच्चे ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं या फिर 8 मंथ में ही डिलीवरी हो जाती है तो ऐसे बच्चे को हम प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तो काफी हेल्दी होता है, फिर क्या कारण होता है बच्चों में पीलिया हो जाने के। तो न्यूबॉर्न बेबीज में पीलिया होता है क्योंकि उनके ब्लड में बिलीरुबिन की अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो बिलीरुबिन क्या है आप सोच रहे होंगे, तो बिलीरुबिन तब बनता है जब रेड ब्लड सेल्स अपने लाइफ टाइम के एंड में टूटने लगता है, मतलब रेड ब्लड सेल की लाइफ टाइम खत्म हो जाती है तो वो टूटने लगता है। तो होता क्या है कि न्यूबॉर्न बेबीज में बिलीरुबिन की लेवल ज्यादा होती है क्योंकि उनके बॉडी में एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और इसके साथ साथ न्यूबॉर्न बेबीज के बॉडी को डिफिकल्टी होती है बिलीरुबिन के अमाउंट को प्रोसेस करने में, तो ऐसे में पीलिया होना कॉमन है। तो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, बच्चे जब पेट से बाहर आते हैं तो उनको इस वर्ल्ड में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो बॉडी की एक्टिविटीज है उसे प्रोसेस करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। बच्चे में पीलिया जनरली बर्थ के 2 से 3 दिन बाद दिखने लगता है। तो जब तक आपका बेबी हेल्दी रहता है तो पीलिया से फिर उसको कोई नुकसान नहीं है, आप टेंशन ना ले। लेकिन आप क्या करें, अपने बच्चे को नोटिस करते रहिए, क्योंकि होता क्या है कि 1-2 हफ्ते में अपने आप कम होने लगता है, लेकिन आप नोटिस करते रहे। अगर ये कम ना हो तो कुछ कंडीशंस में ये काफी क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए आप अपने बच्चे की देखभाल करते रहे। अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को पीलिया हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूबॉर्न बेबीज में पीलिया होना आम बात है, इसलिए आप देखते होंगे कि जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हो डिलीवरी के बाद तो डॉक्टर बार बार आके बच्चे को चेक करते रहते हैं, वो बच्चे की बॉडी टेम्परेचर को चेक करते रहते हैं, उनके आईज को चेक करते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के जो पीलिया के लक्षण है वो 2-3 दिन में दिखने लगते हैं, तो फिर वहां जब तक आप रहते हो तब तक तो ठीक है, आप डॉक्टर के कंसिडरेशन में हो। लेकिन अगर आपको डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और फिर बच्चे में पीलिया वाले लक्षण आते हैं
तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको सबसे आसान और 100% वर्किंग टेस्ट बताती हूँ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को पीलिया है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह लाइट वाले रूम में ले जाए, वेल फिटेड लाइट वाले रूम में ले जाए, या फिर घर के विंडो के पास ले जाए, और वहां जाके आपको अपने बच्चे के नोज, फोरहेड और चेस्ट पे उंगली दबा के प्रेस करना है। अगर उंगली हटाते ही मतलब जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो, इस तरह से आपको दबाना है। अगर उंगली हटाते ही स्किन पे आपको पीलापन लगे तो ये पीलिया के लक्षण है। और इसके साथ आपको बेबी के आंख का उजला पार्ट पीला दिखने लगेगा, या फिर नेल्स पीले दिखने लगेंगे, हथेलियां या फिर पांव का जो तलवा होता है वो भी पीले दिखने लगेंगे। तो ये सब क्या है, पीलिया के लक्षण है। इसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स है जो आपको अपने बच्चे में दिखेंगे, जैसे वो सुस्त हो जाता है, ढीला सा लगने लगता है, या फिर वो दूध पीना बिल्कुल बंद कर देता है, दूसरे दिन के मुकाबले जोर जोर से रोने लगता हो, या फिर आपके बच्चे की यूरिन की कलर पीला लगने लगे, तो ये सब पीलिया के लक्षण है। तो अगर घर आने के बाद आपके बच्चे को पीलिया हो गया हो तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, वही बता पाएंगे कि आपको आपके बच्चे के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं, क्योंकि बिलीरुबिन की अमाउंट पे ही डिसाइड होता है कि आपके बच्चे को घर पे ही रख के ठीक किया जा सकता है या फिर उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बेबी का स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी को पीलिया हुआ था तो मैंने क्या किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बर्थ के दूसरे दिन मेरे बेबी के आंख हल्के से पीले लगने लगे थे, लेकिन तब तक हमें डिस्चार्ज कर दिया गया था और हम घर आ चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, अगले 4 दिन तक हमने नोटिस किया कि ये बढ़ते ही जा रहा था। मतलब कि पहले बस आंख पीले हुए थे, बाद में मेरे बेबी के नेल्स पीले हो गए, चेहरा पीला सा लगने लगा, हथेलियां पीली लगने लगी, तो और सब साथ में बोलना स्टार्ट कर दिए कि बच्चे को तो जॉन्डिस हो गया है। आप सोच सकते हैं कि नए नए पेरेंट्स बने हो, एक तो पहले ही बहुत सारी टेंशन होती है, उसके बाद ये नया कुछ सुन के कितना डर लगता है। तो हम 5वें दिन बेबी को हॉस्पिटल ले गए जहां हमारा डिलीवरी हुआ था। वहां डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने बेबी के थाई को उसी तरह से प्रेस करके चेक किया जैसे मैंने आपको बताया। फिर डॉक्टर ने बताया कि आप पहले ब्लड टेस्ट करवा लो, इससे पता चलेगा कि बच्चे के बॉडी में बिलीरुबिन की अमाउंट कितना है। ट्रस्ट मी, हम वहां से बिल्कुल भाग गए बिना टेस्ट करवाए, क्योंकि हम इतने डर चुके थे कि इतने छोटे से बच्चे का ब्लड टेस्ट, फिर एडमिट, फिर और टेस्ट, पता नहीं क्या होगा। हम सीधा भाग के आ गए और अगले दिन से ही हमने घर पे ही बेबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, केवल 1 वीक के अंदर मेरे बच्चे की आंख बिल्कुल ही साफ हो गया। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या क्या किया था, हमने ऐसा क्या क्या किया था। मेरे हस्बैंड का रोल इसमें काफी ज्यादा है कि 1 वीक के अंदर ही हमारे बच्चे के आंख बिल्कुल ही साफ हो गए थे। अब आते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज को पीलिया होने का क्या कारण होता है। तो जन्म के 2 से 3 दिन बाद न्यूबॉर्न बेबीज में पीलिया के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन इसका वो कारण नहीं है जो एक एडल्ट में जॉन्डिस होने का होता है। एडल्ट में पीलिया लीवर में प्रॉब्लम के कारण होता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज में पीलिया पीत रंजक यानी कि बिलीरुबिन के कारण होता है। बच्चे के ब्लड में जब बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब एक लेवल से ऊपर हो जाता है, तो उसमें पीलिया के लक्षण दिखने लगते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन कारणों से बच्चों में पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ कारण है जिससे न्यूबॉर्न बेबीज में पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाती है। पहला है कि जब बच्चे का जन्म ड्यू डेट से पहले हो जाए तो पीलिया होने का चांसेस ज्यादा है, मतलब कि प्री मैच्योर बेबीज में पीलिया ज्यादा देखा गया। दूसरा रीजन, अगर बच्चे की ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर अलग अलग है यानी कि दोनों में मिसमैच हो तो इससे भी बच्चे के पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा रीजन है, जन्म के समय अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई हो या फिर उसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस कंडीशन में भी पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने बच्चे को घर पे रख के कैसे पीलिया को ठीक कर सकते हैं
और कब आपको बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन है। सब चाहते होते हैं कि बच्चे को घर पे ही रख के ठीक करे, क्योंकि उतने छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल में रखना, ट्रीटमेंट कराना, बार बार ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही डरावना हो जाता है। तो आमतौर पे क्या होता है कि बिलिरुबिन की अमाउंट से डॉक्टर आपको बता देते हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर उसे घर पे ही आप ठीक कर सकते हो। अगर बिलिरुबिन की अमाउंट एक लेवल के अंदर होती है तो फिर बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए डॉक्टर आपको खुद ये बात बता देंगे कि लिमिट क्या है और आपको जरूरत है या नहीं है। और आप भी तो ये नहीं चाहते होंगे कि बच्चे को आप हॉस्पिटलाइज करो, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराओ। तो होता क्या है, अच्छी बात है कि ज्यादातर केस में ये लिमिट के अंदर होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप घर पे कर सकते हो बच्चे को ठीक। तो इसके लिए क्या उपचार है, तो सबसे पहला उपचार है सनरेज, मतलब कि सूरज की किरणें, बच्चे को धूप लगाना। यह आप सबको पता होगा कि सनरेज काफी इफेक्टिव होता है बच्चे में जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। आप क्या करें, बच्चे को हर दिन सुबह उठ के 15 से 20 मिनट के लिए धूप लगाए, जब सूरज की किरणें आ ही रही हो, मतलब कि जब सनराइज हुआ हो और पहली किरण जो आती है आप वो धूप बच्चे को लगाए। इसके लिए आप क्या करें, दो वे से कर सकते हैं। पहला तो आप घर के विंडो के पास ले जाए, अगर कांच लगी हुई है उससे जो छन के धूप आती है अपने बच्चे को 15 से 20 मिनट के लिए खड़े होके लगाए, ये बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी वे है कि आप छत पे बच्चे को ले जाए, लेकिन डायरेक्टली आप सनरेज बच्चे को ना लगाए, एक पतली सी कपड़े से उसे ढक दे, उसके बॉडी को ढक दे और 15 से 20 मिनट के लिए अपने हाथ में बच्चे को, अपने गोदी में उठा के बच्चे को सनरेज लगाए, ये काफी इफेक्टिव होगा। और केवल हो सकता है इसी वे से आपके बच्चे की जॉन्डिस ठीक हो जाए। दूसरा उपचार क्या है, तो सनरेज लगाए साथ साथ आपको एक दो और भी काम करने हैं। दूसरा है कि आप बच्चे को फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाएं। ऐसा तो हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, खासकर जब बच्चे 6 मंथ से छोटे हो। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, उनकी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, बच्चा ज्यादा बीमार नहीं पड़ता है। तो जब बच्चे को पीलिया हो तो ऐसे में फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाएं। लेकिन हो सकता है बच्चे सोते रहे हो, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हो काफी सोते हैं दिन में, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे उठा के जगा के, लेकिन हर 15 से 20 मिनट में आप उसे ब्रेस्ट फीड करवाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे के स्टूल के द्वारा बिलिरुबिन की अमाउंट कम होगी, तो आप जितना दूध पिलाओगे, जितना हाइड्रेटेड रखोगे, बच्चे की स्टूल उतनी ही पास होगी और बिलिरुबिन की अमाउंट कम होते जाएगी। तीसरी टिप्स क्या है, मालिश। तो आप अपने बच्चे को हर रोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पेट पे मालिश करें, दिन में 2 से 3 बार हो, 3 से 4 बार हो आप मालिश करें बच्चे के। इससे क्या होते हैं कि बच्चे के पेट की बॉल मूवमेंट तेज हो जाती है, जिससे वो फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, स्टूल को पास करते हैं, और इससे बिलिरुबिन की अमाउंट कम होते जाती है। तो ये तीनों टिप्स आप अपना के देखें, आपके बच्चे की जॉन्डिस केवल 7 दिन में या 10 दिन में बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है इसे। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरी बताए हुए सजेशन अच्छी लगे हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखें। सी यू सून।